रुक करेंगे एक बड़ी खबर का, बीजापुर से मिल रही है, जहां बीजापुर में लगातार हत्याओं के बीच नक्सलियों ने अपने ही कमांडर की हत्या कर दी। मृतक नक्सली कमांडर विज्जा के अंतिम संस्कार की खबर मिली है। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, नक्सलियों ने अपने ही कमांडर की हत्या कर दी है। गुरुवार को हत्या के बाद देर रात परिजनों को शव सौंपा गया है और मृतक नक्सली कमांडर विज्जा के अंतिम संस्कार की खबर भी मिल रही है, जिसकी उम्र 34 साल बताई जा रही है। और गुरुवार को हत्या के बाद देर रात परिजनों को शव सौंपा गया। सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार गंगालूर और किरंदुल के बीच इतावर के जंगलों में नक्सली नेता बिज्जा की हत्या की गई है। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। और अभी तक इसकी आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है और अंतिम संस्कार की लगातार खबर मिल रही है। और गुरुवार देर रात परिजनों को शव सौंपा गया। पूरा मामला बीजापुर से है, जहां गुरुवार को हत्या के बाद देर रात परिवार को शव सौंपा गया। और इसी पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ में संवाददाता पवन जुड़ गए हैं। पवन, अभी तक क्या आधिकारिक पुष्टि हुई है और क्या कुछ ज्यादा जानकारी मिल पाई है? तक किसी तरीके की आधिकारिक पुष्टि इसमें नहीं हो पाई है, लेकिन लगातार जिस तरीके से नक्सली हत्याओं को अंजाम दे रहे थे, जिसमें आम जन भी थे, पुलिस भी थे और सरकारी कर्मचारी थे, उसके अलावा जितने भी जो ग्रामीणों को की हत्याओं की खबर जो आ रही थी, उसमें से ज्यादातर जो थे इन्हीं के मिलिशिया कमांडर या संगम सदस्य जो थे उनसे जुड़े हुए थे। और ये जो खबर निकल के आ रही है, जो डिविजनल कमेटी के मेंबर थे विज्जा, जिनकी हत्या की खबर आ रही है, एक बड़ा नक्सलियों का ये घटना है। और इसके पीछे की वजह क्या रही, क्या क्यों इन्हें मौत के घाट उतार दिया गया और उनके परिजनों को शव सौंपा गया, ये अभी तक खुल के निकल। चलिए पवन, आप नजर बनाए रखिएगा, तमाम जानकारी साझा करने के लिए बहुत शुक्रिया आपका। तो बोले